हे गाइस, न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और आज हम आ गए हैं गोल्डन गार्डन पटना, और आज होगा एल्बम का शूटिंग है। जो किस तरीके से भोजपुरी एल्बम शूट होता है वो दिखाएंगे आप लोग को। और कुछ कहना चाह रहे हैं, जो हम थोड़ा लंबा टाइम से नहीं आ पा रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और फिर हम आज से स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए, और इसी तरीके का वीडियो आप लोग को मिलेगा। और कुछ नया कंटेंट मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग को अच्छा लगे। ऐसा नहीं जो डेली जो लोग ब्लॉग बनाते हैं डेली, उस टाइप का हमको अच्छा नहीं लग पाता है, क्योंकि कुछ यूनिक चीज़ होना चाहिए। अब जो डेली घर में खाते पीते वो तो सारा लोग दिखाते हैं, कुछ अलग होना चाहिए। जब शूटिंग हो रहा है आज आप लोग को दिखाएंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में। चलिए देखिए, दिखाते हैं आप लोग को आगे। यही अंदर एंट्री है और इसी के अंदर शूटिंग होगा, वो सारा चीज़ कवर करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे। और कौन सा सिंगर है और कौन सारा कलाकार है, सारा चीज़ दिखाएंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में। सो फाइनली गाइज, देख सकते हैं हमारे पीछे गोल्डन गार्डन है और इसमें भोजपुरी सॉन्ग का शूट हो रहा है। और हमारे एक मित्र हैं जो झारखंड से हैं, सोनल पांडे, तो उनसे थोड़ा आप लोग को बातचीत करवाएंगे और मिलवाएंगे भी। तो आइए सोनल जी। तो ये हमारे सोनल जी हैं जो भोजपुरी सिंगर हैं और बहुत ही अच्छा गाते हैं, और इन्हीं का जो गाना शूट हुआ है, तो ये कुछ बताएंगे जो किस तरीके का गाना है। सोनल जी, और हमारे चैनल पे अमर ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं बताइए। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं अमर ब्लॉग के थ्रू आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ। तो अमर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, के लिए। जी। अरे हम लोग इस इंडस्ट्री से हैं, जी जी, भोजपुरी इंडस्ट्री से हम लोग हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है जो कोई भी कलाकार मिलते हैं, तो एक खून के रिश्ता नहीं होता, बट एक भाई के रिश्ता तो ज़रूर होता है, एक फ्रेंड। अभी ये गाना शूट हुआ है इनका, और भी गाना शूट होगा तो सारा कुछ दिखाएंगे, बट म्यूट करके दिखाया जाएगा, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, किसी अदर कंपनी से रिलीज होगा, तो इसलिए माइंड नहीं करना है दोस्तों। और ये झारखंड से हैं, तो समझ सकते हैं झारखंड से आके पटना में, और पटना गोल्डन गार्डन में शूट कर रहे हैं, और हमको बुलाए हैं, इनवाइट किए हैं, और बहुत ही अच्छा लगा है। और ये हमारे राहुल देवा हैं, आइए। ये भी एक सिंगर हैं जो हमारे भाई हैं, और बहुत ही आनंद आता है मिलके। कुछ बोलिए। प्रणाम नमस्कार, हम सिंगर राहुल देवा जी। जितने भी भोजपुरी जन सोते हैं, गोच को प्रणाम करता नहीं। और आज हम गोल्डन गार्डन में शूटिंग कर रहे हैं भोजपुरी सॉन्ग का, होली सॉन्ग, ये दो चार। तो आज हमारे ब्लॉग में आप लोग का देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी मेरा ये गाना लॉन्च होगा राहुल दो म्यूजिक वर्ल्ड, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको सब्सक्राइब ऐसा कि नोटिफिकेशन आएगा कि सबसे पहले आप सबको सुनने को मिलेगा। अच्छा, इनका आपका कौन सा चैनल से रिलीज होगा, थोड़ा बता दीजिए इन लोगों को। जी, मेरी का सॉन्ग जो है अभी जो शूट हुई है आज जी, वो आद्या रिदम इंटरटेनमेंट के थ्रू आ रही है, और बड़ा प्यारा प्यारा सॉन्ग लेकर आ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। आप सभी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप सभी सब्सक्राइब कर लें, और अमर जी के ब्लॉग को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, और कमेंट करके बताइएगा जो वीडियो देखे हैं, जो मज़ा आया कि नहीं। जी जी जी, बिल्कुल जी, भाई का कमेंट ही तो गाना को लाजवाब बनाते हैं। जी जी जी, तो कमेंट चाहिए दोस्तों, और इसी तरीके का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, अपडेट रहेगा। कमेंट से आप लोग का प्यार इतना मिलता है कि उसको प्यार को कभी बयान नहीं कर सकता। तो कितना प्यार हम लोग को आप लोग देते हैं। जी जी, वही कमेंट से पता चलता है जो आप लोग कितना हम लोग को मोहब्बत कर रहे हैं और क्या क्या देखना चाहते हैं, तो ये सारा चीज़ आप कमेंट में किस टाइप का गाना चाहिए वही आप बताइए, आप तो लोग टाइप का आप लोग के लिए मनोरंजन के लिए गाना गाया जाएगा, क्योंकि सारा कुछ आप लोग के लिए है, तो आप लोग जो चाहिएगा सारा कुछ होगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। और चलिए हम आपको और दिखाएंगे, देखिए यही लोकेशन है और इसी जगह शूटिंग होगा, वो सारा शूटिंग आपको दिखाएंगे और कट करके दिखाएंगे, पूरा नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। और देखिए यही गार्डन है, इसके अंदर भी है, उसमें भी शूट होगा, उसका भी क्लिप आपको दिखाएंगे सारा कुछ, तो बने रहिए ब्लॉग में।
हेलो सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जो किस तरीके से भोजपुरी सॉन्ग का जो शूटिंग किया जाता है, तो उससे पहले पूजा अर्चना किया जाता है। और जो भी कलाकार हैं, जो भी सिंगर है, जो भी मॉडल है, जो भी एक्टर हैं और जो भी कैमरामैन हैं, कोरियोग्राफर हैं, वो सारे लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और अभी एक सॉन्ग बैकग्राउंड में बज रहा है, जिसके कारण उस साउंड को म्यूट कर दिया गया है, क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। और थोड़ा सा सुना दिए हैं आप लोग को, तो देख सकते हैं जो किस तरीके से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और कैमरा को पूजा किया जा रहा है। और जो भी लोग हैं, बहुत मस्ती करते भी हैं और काम भी करते हैं, बहुत ही मेहनत लगता है कोई भी सॉन्ग का वीडियो शूट करने में। और एक सॉन्ग को शूट करने में लगभग 2-2.5 घंटा 1 घंटा भी लग जाता है। और उस चीज़ को हम लोग को फिल्माया जाता है, जो भी दर्शक लोग हैं जो देखते हैं सुनते हैं, तो 4 से 5 मिनट में उस शॉट को अटैच करके और एडिट किया जाता है। और बहुत ही मेहनत लगता है, एक एक स्टेप करना और बकायदा बीट पे करना। तो सारे लोग को, सिंगल हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट सारे लोग जो हैं, जो भी मॉडल है, जो भी आर्टिस्ट हैं, जो मेन लीड करते हैं, उसके बाद जो भी बैकग्राउंडर जो होते हैं, कोरस में जो भी होते हैं, वो लोग को वन स्टेप करना पड़ता है, एक ही साथ सारा स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो समझ सकते हैं जो बड़ी मेहनत का काम होता है। और आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, तभी कोई भी सिंगर, कलाकार जो भी हो, वो आगे बढ़ पाते हैं। बट नहीं मिल पाता है तो नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि आप ही लोग सब कुछ हैं। तो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो गाइज, देख सकते हैं जो किस तरीके से वीडियो शूट किया जा रहा है और किस तरीके से मॉडल आती है और लोग सब जो भी मॉडल है छेड़ रहे हैं और गाना में फिल्माया गया इस तरीके से। तो आइए एंजॉय कीजिए। हो गया है।
सपना देखना छोड़ दो। Okay.
बढ़िया से 10 आदमी के सामने तो कम से कम बढ़िया से बोल रहे, पहले एकदम दिमाग ना हो, बच्चा रह गए है तू, बच्चा है, हम तो बात ही ला, तू को बात हम नहीं बोले, हम तो बात चलो चाचा है, बच्चा चाचा बन गया है, दुद्दू को बाल बच्चा पता है, बाप बाप बोला बोला बोला, एक चटा देना चाहिए था नमक बच्चे ने, ले चिल्ला को गया कैसे मार ला बताइए ऐसा मोबाइल आप यूज कीजिएगा इनको भैया को हाफ म्यूजिक चेंज कर दीजिएगा, ताकि डांस वो ही कर सकते हैं, उन लोग को आधा डांस करवाइए और म्यूजिक पार्ट में उधर आ जाएंगे, चल जाएंगे, वही तो बताया मैंने पास आते हैं, सुविधा वहाँ पे खड़ा हो वही बताया ना, वही किया गया है बेटा, और समझते हो हाँ बोलिए बोलिए, ठीक है शूट पे हैं, चलिए
हाँ खाली है लड़का लोग खाली है। देखिए यही कंपनी के ओनर हुए। नमस्कार आदाब, नाम हर हर महादेव। बहुत ही अच्छा लग रहा है, शूट हो रहा है, तार है तरवा के आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं जो शूट हो रहा है, कुछ बताइए हमारे चैनल के लिए। हाँ जी, इस ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं दिन रात कड़ी मेहनत के साथ, और इतने स्पॉट पे आकर के लगातार आप लोग सभी कलाकारों से इंटरव्यू भी ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करें, प्रमोट करें, आने वाले समय में इस चैनल का मिलियन तक जाए, मिलियन से ऊपर बिलियन तक हो जाए। जी जी, सही बात। तो आइए, सेट इधर आ गया है, देख सकते हैं आप लोग, सेट इधर आ गया है। सो फाइनली गाइज, हम आप लोग को दिखा चुके हैं जो भोजपुरी एल्बम सॉन्ग किस तरीके से शूट होता है और गार्डन में किस तरीके से शूट होता है, तो सारा कवर हम करके दिखा चुके हैं। और म्यूट जो किए हैं इसके लिए माइंड नहीं करना है, क्योंकि किसी और का म्यूज़िक है, अगर हम डालते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तो कॉपीराइट आ जाएगा, स्ट्राइक आ जाएगा, तो फिर मेरा चैनल ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा अगर आप चाहते तो, कोई भी नहीं चाहता जो ऐसा हो, तो आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा। हाँ, ऐसे जनरल सीन आपको दिखाए हैं, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और आप लोग को दिखाने का प्रयास था जो किस तरीके से शूटिंग होता है, और भी कलाकार को दिखाएंगे, और भी शूट है बट छोड़ के हमको जाना पड़ रहा है किसी अर्जेंट काम में। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।